भारत के प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था। इनके पिता का नाम था कुंजलाल गांगुली, जो कि एक वकील थे। अशोक कुमार के दो छोटे भाई थे, इनसे छोटे थे अनूप कुमार और उनसे भी छोटे थे किशोर कुमार। और ये जो कुमार वाले जो इनके नाम है, ये इनके स्टेज नेम थे। इनके असली नाम अलग थे। अशोक कुमार का नाम था कुमुदलाल गांगुली, अनूप कुमार का नाम था कल्याण कुमार गांगुली और किशोर कुमार का नाम था आभास कुमार गांगुली। तीनों ही भाइयों ने फिल्मों में काम किया था। अनूप कुमार और किशोर कुमार को फिल्मों में आने की प्रेरणा अशोक कुमार से ही मिली थी। तीनों ने एक फिल्म में काम किया था और उस फिल्म का नाम था चलती का नाम गाड़ी। अशोक कुमार ने अपनी शुरुआती शिक्षा मध्य प्रदेश के खंडवा शहर से पूरी की थी और उच्च शिक्षा के लिए वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए। दोस्तों, अशोक कुमार चित्रकार भी थे, यानी पेंटर भी थे, और यह उनकी हॉबी थी। इनके करियर की शुरुआत बॉम्बे टॉकीज से शुरू होती है। साल था 1934। उस समय वह न्यू थिएटर में लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में काम किया करते थे। बॉम्बे टॉकीज के एक प्रसिद्ध प्रोड्यूसर हिमांशु रॉय एक फिल्म बना रहे थे जिसमें लीड एक्ट्रेस थी देविका रानी और इसके हीरो थे नजीमल हुसैन। अब कुछ कारण से फिल्म के हीरो वहां से चले जाते हैं और हिमांशु रॉय को दूसरे हीरो की तलाश होती है। तभी अशोक कुमार को उस मूवी के लिए कास्ट कर लिया जाता है। उस मूवी का नाम था अछूत कन्या, जो कि 1936 में रिलीज़ हुई थी। और इस प्रकार अशोक कुमार का फिल्मी करियर शुरू होता है। अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज की एक फिल्म की थी जिसका नाम था किस्मत। यह फिल्म उनके लिए बहुत सफल साबित हुई और इसी दौरान ही दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। किस्मत फिल्म का एक गाना था, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, बहुत ही लोकप्रिय गाना रहा। किस्मत पहली हिंदी फिल्म थी जिसने 1 करोड़ की कमाई की थी और यह सिनेमा में 1 साल तक चली थी। इसके बाद इनकी फिल्म आई महल, जिसमें उन्होंने पहली बार मधुबाला के साथ काम किया था। अशोक कुमार ने कई सारी फिल्में की जिनमें उन्होंने एंटी हीरो की भूमिका निभाई, अर्थात इन्होंने फिल्मों में नेगेटिव किरदार भी किए। जब अशोक कुमार 25 साल के थे, तभी 1936 में उनका विवाह हो गया था, शादी हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम था शोभा देवी। अशोक कुमार अपने पूरे फिल्मी करियर में कभी किसी रोल से भागे या डरे नहीं, वह किसी भी तरह का रोल कर लेते थे, चाहे वह नेगेटिव रोल हो या हीरो का हो या विलन का हो। अशोक कुमार ने अपने फिल्मी सफ़र में कई अवार्ड्स जीते और लगभग 6 दशक तक लोगों पर अपने गजब के अभिनय की बरसात की। 1959 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 1962 और 1969 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला और एक बार उन्हें बेस्ट एक्टर फॉर सपोर्टिंग रोल मिला। 1962 में पद्मश्री, 1988 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 1999 में पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान होता है, 2001 में यूपी सरकार द्वारा अवध सम्मान मिला और 2007 में मरणोपरांत स्टार स्क्रीन द्वारा एक स्पेशल अवार्ड मिला, जो कि उनके देहांत के बाद मिला उन्हें। अशोक कुमार ने अपने फिल्मी करियर में करीबन 280 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। वह अपनी शानदार एक्टिंग और वर्सेटाइल रोल के कारण पूरे देश में जाने जाते हैं। 90 वर्ष की आयु में 10 दिसंबर 2001 को लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार का देहांत हुआ। दोस्तों, अशोक कुमार के 4 बच्चे थे, 1 पुत्र था और 3 पुत्रियां, आरूप गांगुली, भारती, रूपा और प्रीति। अशोक कुमार द्वारा की गई फिल्में कुछ इस प्रकार है। तो अगर आपको अशोक कुमार के बारे में जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।